दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली आ रहे हैं। इससे पहले जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया गया है, जिसमें केवल नीतीश कुमार ही दिखाई दे रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की फोटो गायब है। पार्टी मीटिंग से पहले ये पोस्टर बड़ा संकेत देते हुए दिखाई दे रहा है। इस पोस्टर में लिखा है, प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर बीते 2 से 3 दिनों में अटकलें लगाई जा रही थी। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ललन सिंह से नाराज हैं और इसकी वजह है ललन और लालू यादव के बीच की बढ़ती हुई नजदीकियां। कहा जा रहा है कि ललन से नाराज नीतीश उनका इस्तीफा ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे भी संकेत हैं कि नीतीश कुमार ललन सिंह को INDIA गठबंधन में कोई रोल नहीं दे सकते, इसलिए उनसे ये इस्तीफा लिया जा रहा है। हालांकि जेडीयू की ओर से बार बार ऐसी खबरों का खंडन किया गया है। नीतीश कुमार पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। इससे पहले पटना में जब नीतीश से मीडिया ने ललन को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने सभी सवाल टाल दिए। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष बनने से इनकार किया और कहा कि दिल्ली यात्रा नियमित है। पार्टी बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल बैठक है जो हर साल होती है, मीटिंग की परंपरा है, कुछ खास नहीं है। वहीं जेडीयू की बैठक को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ललन सिंह, नीतीश कुमार, विजय चौधरी सब बार बार बोल चुके हैं कि ये फर्जी खबरें हैं, कितनी बार सफाई देंगे, हम लोग तो CM के साथ खड़े हैं, हर पार्टी की मीटिंग होती है, ये सब नॉर्मल है, लोगों को तूल देना है तो दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है।